हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिटिक्स चैनल द पार्ट ऑफ अन एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। ये नोटिफिकेशन बेल हमेशा आपको हमारे साथ कनेक्टेड रखेगा। एंड इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन देन यू आर द राइट प्लेस फॉर यू गाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट ESC एंड अदर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये 9th वीडियो है कंट्रोल क्विज का और मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ पोलर प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट के। ठीक है, इससे पहले मैं 8 वीडियोस बना चुका हूँ तो ऑलमोस्ट आज हमारा कंट्रोल पूरा का पूरा एंड हो जाएगा। जितने भी 9 सेक्शंस पर क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो पहले मेरे बारे में, मेरा नाम राहुल शर्मा है। I have 6 year teaching experience in GATE and ESC. Guys, this is my code Rahul11. आप इसका use करके Unacademy Plus subscription पे 10% discount ले सकते हैं। और guys, this is our team on Unacademy Plus, also on YouTube channel. इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इनके साथ आप connected होकर अपना learning process और smooth कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो राइज होता है कि सर मैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन क्यों लूं? तो बेटा सबसे पहली बात क्या है, आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलती है। तो लाइव क्लासेस मिलेंगी तो आप कंसिस्टेंटली अपनी स्टडी करते रहेंगे। फिर आपको यहाँ इंग्लिश हिंदी लैंग्वेजेस में प्रॉपर लेक्चर मिलेगा, यानी अगर आपको इंग्लिश में पसंद है वीडियो देखना पढ़ना तो आप इंग्लिश एजुकेटर को फॉलो करके आप इंग्लिश में देख सकते हैं, और हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी में भी लेक्चर देख सकते हैं। इसी तरीके से क्रैश कोर्स मिलेगा आपको, आपका सिलेबस अक्टूबर तक एंड हो जाएगा, उसके बाद आपको रिवीजन करने के लिए क्रैश कोर्स भी आएगा जो आपको रिवीजन करने में काफी हेल्प करेगा और आपका मार्क्स काफी बूस्ट होते हैं। आप वैसे भी जानते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्रैश कोर्स की अहमियत पता होगी। डाउट क्लियरिंग सेशन, गाइस जैसे कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो आपको 1, 2, 3 क्लासेस के बाद जो 4th क्लास मिलेगा वो हमेशा डाउट क्लास होगा। उसके अंदर आप 1, 2, 3 क्लासेस में जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है या कोई भी डाउट अराइज हुआ है तो वो आप एजुकेटर से पूछ सकते हैं। RIB रैंक इंप्रूवमेंट बैच जून में आने वाला है, अभी रिसेंटली अंकित सर ने डिसाइडेड की बताया है आपको। ठीक है, काफी इम्पोर्ट अच्छा रहेगा ये बच्चों के लिए जो गेट के अंदर अपनी रैंक को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वीकली टेस्ट हमेशा आपको बताते हैं कि आपने सब्जेक्ट के अंदर कितना ग्रैप किया है और कितने एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, हो सकता है आपको वो एनर्जी लेवल ना मिल पाए, लेकिन आप वीडियो पूरा इंटरेस्ट के साथ देखिएगा, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। बेस्ट बैच कोर्स है, तो बेस्ट बैच कोर्स के अंदर आपको पता है अंकित सर और विशाल सर का बेस्ट बैच कोर्स जा रहा है, जिसके अंदर अंकित सर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा रहे हैं हिंदी में और विशाल सर आपको पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के लिए, ये आपको पता है। और ऐसे ही आपको अजय सर और शंकर भीमा सर का सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे और देवेंद्र नेगी सर को आप मैकेनिकल में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से आप डिफरेंट बैचेस को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैं और केविंदर सर आपको UPPSC का क्रैश कोर्स करा रहे हैं जिसमें मैं आपको पावर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ और केविंदर सर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा रहे हैं। आप गाइज सबसे पहला डाउट रहता है कि किस तरीके का इंट्रेक्शन होगा अनअकैडमी प्लस पर, तो गाइज आप खुद देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा रहे हैं आपको अंकित सर लाइव, तो यहाँ पर मशीन आपको विजुअलाइज कराई जा रही है कि कहाँ पर आर्मेचर है, कहाँ पर पोल है, कहाँ पर स्लिप रिंग्स है, ठीक है, और कहाँ कैसे ब्रशेज लगे हुए हैं। तो आपका जो डिस्कशन है वो रिलेवेंट टॉपिक पे हो रहा है रेदर देन एनीथिंग एल्स फॉर मेकिंग द ड्रॉइंग। अगर आप बनाएंगे भी तो कहीं ना कहीं एरर हो जाएगी और इतनी क्लियरिटी से नहीं बना पाएंगे, तो वहीं पर आपका डिस्कशन कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक पर होगा। यहां पर लाइव पोल और लीडर पोल भी मिलता है आपको। यहां पर देखिए डाउट क्लियरिंग सेशन में आप अपना डाउट भेज सकते हैं और वहां पर अंकित सर आपको डायरेक्ट रिप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से लीडर बोर्ड में आपको अपना रिएक्शन टाइम और कितने बच्चों में आपकी कितनी रैंक चल रही है और कितने क्वेश्चन का आपने सही आंसर दिया है, ठीक है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं और आप अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। सॉरी गाइस, ये पिक लगता है एक्स्ट्रा आ गई है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट,
तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में है गाइस, ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड द गेन ऑफ डैश डीबी। तो हमें गेन निकालना है, गेन मार्जिन। तो स्टार्ट करते हैं, जो स्टूडेंट पहले से पढ़ चुके हैं वो अपना फाइंड आउट करें और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मेरे साथ देखें कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करना है, इसमें गेन मार्जिन को फाइंड आउट करना है, ये हमारा एम है। ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या है, 1/s s+2 s+4 यहां j ओमेगा, s को अगर पुट करते हैं हम j ओमेगा प्लस 2 j ओमेगा प्लस 4। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना। तो ठीक है, तो ये हमें कितना मिल गया यहां से गाइस, माइनस का 90 माइनस का 10 इनवर्स ओमेगा पीसी बाय 2 प्लस माइनस 10 इनवर्स ओमेगा पीसी बाय 4 इक्वल्स टू माइनस का 180। सॉल्व करते हैं गाइस, ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए, इसे ओमेगा पीसी बाय 2 प्लस 10 इनवर्स ओमेगा पीसी बाय 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां पर 10 इनवर्स ए 10 प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाइए, ये वाला 90 इधर गया, माइनस 1 बाय पीसी स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 4 नहीं आएगा 8 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, इक्वल्स टू 90। अब बेटा जब मैं 10 इनवर्स 90 यानी 10 90 लूंगा तो दिस टर्म विल गेट एक इंफिनिटी, तो यहां पर ये क्या हो गया 1090 क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहां, तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पीसी बाय 8 इक्वल्स टू 0, ओमेगा पीसी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो यहां से ओमेगा पीसी का वैल्यू कितना मिला आपको, 2√2 रेडियन पर सेकेंड, गॉट इट। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप यहां पर लिख लिया होगा, आप सभी का ये वैल्यू आया होगा। तो आप फाइंड आउट करते हैं अपने गेन को, ओमेगा पीसी एच पीसी मॉड, बेटा मेरे पास कितना आ गया, ये ओमेगा पीसी अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर पीसी प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें पुट कर दीजिए आप ये वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा बच्चे ये वैल्यू 2√2 अपॉन 8 प्लस 4 12 8 प्लस 2 10 सॉरी गाइस यहां पर ये 16 आएगा, ठीक है। तो ये 8 प्लस 16 24, तो आपको गेन मार्जिन क्या होगा आपका, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसे, तो गाइज ये आई थिंक क्या यही आ रहा है आपका अपॉन 48। इस वैल्यू को यहां पुट करो,
आपको ये 48 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तो हमारे लिए क्या होता है डीबी में 20 लॉग कितना आया 48, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 20 लॉग 48, इट विल बी अराउंड 33.62 डीबी, गॉट इट। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों का यही आंसर आया हो, गॉट इट। तो देखते हैं, प्रीवियस ऑप्शन नहीं था, हमारा 33.62 आंसर आया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, एक मिनट में मोबाइल अपना यहां रख देता हूं। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास क्वेश्चन की ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन एज जीएस एएस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर द वैल्यू ऑफ ए टू टू गिव ए फेस मार्जिन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहां पर आपको जो फेस मार्जिन दिया हुआ है वो क्या 45 डिग्री है, तो आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, क्रॉस गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर हम इसे देख लेते हैं तो ये हमारा क्या हो गया इक्वल्स टू 1, ठीक। और इसे यहां लिखते हैं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा जी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहां क्या हुआ ओमेगा स्क्वायर जी सी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहां पर इसे अभी इतना ही रख लेते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले अपना जब फेस मार्जिन मेरे को कितना दिया गया गाइस 45 डिग्री, तो यहां पर मेरा टेन इनवर्स अगर मैं लगाता हूं तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, तो यहां पर इनवर्स निकालेंगे तो ए जी सी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल गई ए जी सी की इक्वल्स टू 1, तो यहां पुट कर दीजिए आप। तो यहां पर इसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं इसे, इट इज 4 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ए स्क्वायर ओमेगा सी स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। बच्चे मैंने यहां ये डायरेक्ट कर दिया है, आप इसे पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसे डायरेक्ट ही कर रहा हूं, कभी चलिए आप कहोगे सर ने डायरेक्ट करा दिया है, रुको मैं इसे करवाता हूं, ठीक है। कभी समझ सकता हूं, समझ में नहीं आएगा, रुको बच्चे मैं इस पॉइंट को जरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। कोई इशू नहीं है, तो हमें क्या दिया हुआ बेटा, एंगल जो है हमारा फेस मार्जिन फेस एंगल कितना है 180 प्लस टेन इनवर्स ए ओमेगा है, गॉट इट। और ये कितना है फेस मार्जिन क्या होता है गाइस, जब हम यहां लिखेंगे इसे 180 डिग्री प्लस टेन इनवर्स ए ओमेगा जी सी, तो ये कितना दिया हुआ है मेरे को 45,
180 माइनस 180 डिग्री प्लस, क्योंकि हम पुट करेंगे यहां वैल्यू ओमेगा जीसी, ये कैंसिल, तो टेन इनवर्स मेरा कितना हो गया गाइस, ए ओमेगा जीसी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री और ए ओमेगा जीसी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये सभी का यहां पर आ गया होगा गाइस। अब यहां पर क्या है, ए ओमेगा जीसी, यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा जीसी 4 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो आपको यहां पर ये वैल्यू कितना मिल गया गाइस, 2, और 2 की पावर यहां 4 है तो यहां कितना हो गया 1/4, तो इक्वल्स टू ये वैल्यू आपको मिलेगा 1.189 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? तो ए का वैल्यू, जब हमें ये वैल्यू मिल गया तो अब हमें ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे बड़ी आसानी से। इस वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कर दीजिए तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी, एट 0.41। ठीक है, आपको आंसर मिलेगा 8.41, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार और चेक कर लेता हूं मैं, क्रॉस चेक, 1/1.189, हाँ 8.410। ठीक है, बिल्कुल सही, 0.8410 वैल्यू मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है गाइस, ए सिस्टम विद जीरो इनिशियल कंडीशन हैज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज दिस, द सिस्टम आउटपुट इज जीरो एट फ्रीक्वेंसी। मतलब किस फ्रीक्वेंसी पे सिस्टम का आउटपुट जीरो हो जाएगा, अगर पूरा ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो गया तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया हुआ है गाइस, तो यहां पर जे ओमेगा पुट करो आप, तो ये वैल्यू मेरा कितना हो गया, ये हो गया। अब यहां पर इसका क्या निकाल लो आप, मैग्नीट्यूड, तो दिस टर्म इज, आंसर तो देखते ही 2 लगा देंगे आप, बट मैं आपको बता रहा हूं सिक्सटी। ठीक है, तो पूरा का पूरा इसे इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, बेटा क्या होगा ये, माइनस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो, 4, तो ये वैल्यू कितना आ गया आपको, 2 रेडियन पर सेकेंड। मॉड ले रहे हैं हम, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, 2 रेडियन पर सेकेंड वो फ्रीक्वेंसी होगी जहां सिस्टम आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो चाहते तो आप इसके अंदर क्या कर सकते थे, ये वैल्यू पुट भी कर सकते थे, फ्रीक्वेंसी को आप जहां पुट कर देंगे वहां ट्रांसफर फंक्शन जिस पे जीरो हो रहा है वही आपके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। यहां पर क्या है, आपको एक गेन मार्जिन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विद द ओपन लूप ट्रांसफर
फंक्शन जीएस इक्वल टू एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड आउट करना हमें यहां पर गेन मार्जिन, तो उसे स्टार्ट करते हैं करना। ठीक, इसका मॉड ले लो आप। ठीक, तो यहां पर आपको एंगल जो मिलेगा फेस एंगल आपका क्या होगा, माइनस का 80। ठीक है, जे स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस टेन इनवर्स ओमेगा। ठीक, तो यहां पर ये वैल्यू क्या होगी, ये इक्वल्स टू आपका जीरो होगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इसे सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, इक्वल्स टू जीरो 180। ठीक है, माइनस कैंसिल आउट, तो ये आपको क्या मिलेगा, ओमेगा इक्वल्स टू जीरो। तो जब ये इक्वल्स टू जीरो मिलेगा तो यहां पर पुट करिए आप, तो गेन कितना मिल गया आपको, ये आपको मिला इंफिनिटी। तो गेन मार्जिन कितना होता है, ये कितना आया, इंफिनिटी, वन अपॉन इंफिनिटी, दिस टर्म विल बी गेट जीरो, गॉट इट। तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं गाइस, ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो बेटा ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें आपको पोलर प्लॉट चेक करना है। ठीक है, ये आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिया गया है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं इसे। वन अपॉन एस एस प्लस एस प्लस वन एस प्लस टू। ठीक है गाइस, तो यहां पर जे ओमेगा, जे ओमेगा, जे ओमेगा प्लस वन, जे ओमेगा प्लस टू, गॉट इट। तो यहां पर सबसे पहले क्या करें, जो रियल टर्म है इमेजिनरी टर्म है उन्हें अलग कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, ये वैल्यू कितना मिला गाइस, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी एक्स टू माइनस का जे ओमेगा माइनस का टू जे ओमेगा प्लस और माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और नीचे ये हो जाएगी वैल्यू जे ओमेगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ऊपर कितना टर्म हो गया मेरा, 2 माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का जे 3 ओमेगा,
ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, गॉट इट गाइस। तो आप क्या करें, अब यहां पर ये टर्म्स को थोड़ा अलग कर लेते हैं, यहां पर एक सही किया ना हमने, मिस्टेक तो नहीं है हमारी, हाँ ठीक है गाइस। तो यहां पर 1 प्लस दिस, अच्छा अभी नीचे न्यूमरेटर भी, ठीक है गाइस। तो इसे जब हम बनाएंगे जी जे ओमेगा, तो ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा जे ओमेगा, ठीक है। तो ये माइनस का 3 ओवर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला जो होगा ये माइनस में आ जाएगा, है ना। तो यहां पर प्लस कर लो, बट यहां पर ये ओमेगा स्क्वायर बाय, आई थिंक आपको यहां दिखेगा नहीं, ऐसे थोड़ा नीचे करके लिखता हूं, बेटा मैं इसका इमेजिनरी टर्म यहां पर लिख रहा हूं, माइनस 2 अपॉन ओमेगा ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस, ठीक है बात बराबर, ठीक। आप क्या हुआ, इसे कंपेयर कर लो, तो x प्लस आई वाई, तो x बराबर माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4, y बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस। आप क्या करें गाइस, एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं, उससे पहले हमारा एंगल वाला भी बना लेते हैं हम, इसका कितना होगा गाइस, ये माइनस का 90 टेन इनवर्स ओमेगा, माइनस का टेन इनवर्स ओमेगा बाय 2, गॉट इट, ये कर लिया आप। उसके बाद क्या है, लेट्स मेक ए टेबल, यहाँ ओमेगा, यहाँ पर x, एक y आएगा टर्म, और एक हमारा एंगल। तो इसमें क्या करिए आप, एक बार जीरो पुट करिए, तो जैसे ही हम यहाँ जीरो पुट करते हैं तो मेरे को यहाँ पर क्या मिल गया, x माइनस 3 बाय 4। मम्मी सॉरी गाइस फॉर इंटरप्शन, जीरो, तो ये कितना हो गया आपका माइनस 3 बाय 4। तो यहां पर इसे पुट करेंगे जीरो, ये तो पूरा का पूरा इंफिनिटी हो गया, तो आपको x कितना मिलेगा, माइनस 3 बाय 4, और y कितना मिलेगा आपको, माइनस का इंफिनिटी, जब ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करी आपने, जीरो। एंगल पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस का 90। ऐसे ही आप इंफिनिटी पुट करिए, तो इन्फिनिटी के लिए क्या हुआ, x की वैल्यू, इट ऑल टर्म विल बिकम जीरो, दिस टर्म विल बिकम जीरो, और एंगल, एंगल देख लेते हैं यहां पर, माइनस 90 माइनस 90 माइनस 90, क्योंकि यहां पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस का 90 आएगा, माइनस का 270, गॉट इट गाइस। तो आप क्या है, आप चाहो तो आप इसी से डायरेक्ट क्या करो, चेक कर लो अपना पोलर प्लॉट, माइनस एक्स एक्सिस पे माइनस 3 बाय 4 और एंगल माइनस 90 में कहां पर मिलेगा, और वाई हमारा कहां होगा, माइनस इंफिनिटी पर, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर अगर हम देखें, माइनस 180, तो ये वाला आपका क्या हो गया, एक्स जो है दिस टर्म, ठीक है, x बराबर माइनस का 3 बाय 4, एट दैट टाइम y इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी पे, अब ये मूव ऑन करेगा यहां, माइनस
यहाँ पर ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमें पता चल रहा है ऑप्शन देखते ही कि ये राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसे रब कर देते हैं, आई थिंक ये डिलीट नहीं होता पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा ये सिक्स्थ है। तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आपको ये दिया हुआ, फेस फंक्शन द फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ जीएस क्या होगा इन रेडियन पर सेकंड फॉर दिस फंक्शन, गॉट इट? तो यहां पर पहले ट्रांसफर फंक्शन लिख लेते हैं मैडम, तो जे ओमेगा प्लस वन क्यू, बट यहां पर जे ओमेगा कितना हो गया आपके पास, ध्यान रखना बेटा इस बात का, थोड़ी सी यहां पर मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, हाँ ये हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, फेस एंगल, तो वो कितना आएगा गाइस, तो यहां पर 3 है तो माइनस का टेन इनवर्स ओमेगा, माइनस का टेन इनवर्स ओमेगा, तो माइनस का टेन इनवर्स ओमेगा इक्वल्स टू माइनस का 3 टेन इनवर्स ओमेगा, तो ये भी आपका आ गया होगा। तो यहां पर जो आपका फेस एंगल होगा एट फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कितना होगा गाइस, जे ओमेगा पीसी इक्वल्स टू माइनस का 180 डिग्री, और ये मैंने क्या फाइंड आउट करा अभी, माइनस का 3 टेन इनवर्स ओमेगा पीसी इक्वल्स टू माइनस का 180 डिग्री, इससे ये क्या हो गया बेटा कैंसिल। ठीक है, 3 आपका ये क्या होगा 60 होगा, है ना भाई, ये यहां से क्रॉस हो कट हो गया, ये आपका क्या हो गया टेन इनवर्स ओमेगा पीसी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो ओमेगा पीसी आपको यहां से कितना मिल गया अंडर रूट 3 रेडियन पर सेकेंड, गॉट इट, अंडर रूट 3 रेडियन पर सेकेंड, क्या ये ऑप्शन में है अवेलेबल, लेट्स सी। हाँ बेटा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। The transfer function of a system is given by this. Let the output of the system be V naught is equals to this for the input Vi is equals to Vm sin omega t. The minimum and the maximum phase of phi in radian are given or respectively. तो कुछ नहीं है आपको यहाँ transfer function को क्या करें, पहले लिख लो आप यहाँ नॉट निकाल लो आप इस ट्रांसफर फंक्शन में,
वन, ट्रांसफर फंक्शन का क्या कर लो आप, फेस एंगल फाइंड आउट कर लो बेटा, ये कितना आएगा मेरे पास, माइनस का टेन इनवर्स ओमेगा, यहां ऊपर माइनस तो है ही, नीचे वाले से टेन इनवर्स ओमेगा, गॉट इट। तो फाइव इज इक्वल्स टू माइनस टू टेन इनवर्स ओमेगा, गॉट इट। तो आप क्या करो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो आप एक बार जीरो और एक बार इंफिनिटी। तो यहां पर आपको जो ट्रांसफर फंक्शन है आपका उसका तो वैल्यू मोड, ये तो फिक्स्ड है, इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी से। यहां पर ये वैल्यू आपको वन ही वन मिलना है, बट दिस एंगल जो आपने आपको फाइंड आउट करना है जीरो पर कितना हो जाएगा गाइस, दिस वैल्यू विल गॉट जीरो। और यहां पर जब पुट करेंगे इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी माइनस के 180, क्योंकि एक इन्फिनिटी के लिए माइनस का 90, देन माइनस 90, दैट टर्म विल गेट माइनस का 180, गॉट इट। तो कहने का मतलब है दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। देख लेते हैं कौन से हमारे ऑप्शन को मैच कर रहा है। फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम सॉरी मिस्टेक है थोड़ा मेरा, माइनस 180 ये होगा मिनिमम बेटा, ये होगा आपका मैक्सिमम, जाहिर सी बात। तो आपका मिनिमम कितना हो गया माइनस का 180, मैक्सिमम कितना हो गया जीरो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं काफी बच्चों ने क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इस तरफ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये काफी बार रिपीट होता है गेट के अंदर, तो आप प्लीज इसे अच्छे से कर लो एक बार। ठीक है, तो यहां पर देखना आपको नेगेटिव रियल एक्सिस, ठीक है, एट पॉइंट ठीक है गाइस, तो ये काफी रिपीट होता है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से कर लें। आइए इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। ओवर एस, ठीक है, यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है नेगेटिव रियल एक्सिस से, तो हमें क्या फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फाइंड करते हैं इसे, जी ओमेगा। तो यहां पर ये वैल्यू आपको क्या रही, डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके लिए, तो ये कितना हो गया माइनस का 90। अब गाइस यहां पर ये वैल्यू आगे तो आ जाएगा 0.25, लेकिन इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा आप 180 अपॉन डिवाइड बाय पाई से, ठीक है ना, ये वैल्यू हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये गलती मत करना, डायरेक्टली लिख दो आप, तो यही एक इसका पॉइंट है, ये कितना है 57.5
ओमेगा, गॉट इट। तो यहां पर ये वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 180 डिग्री, माइनस का 90 डिग्री, माइनस का 2.5, 57.29 ओमेगा। तो ओमेगा पीसी आपको यहां से क्या मिलेगा, ओमेगा ये वैल्यू आपको मिल जाएगा यहां से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके लिए 6.28, ठीक है, आप कैलकुलेट करिएगा। उसके बाद यहां पर मोड निकाल लेते हैं इसका, तो ये पाई ओवर ओमेगा आएगा, ये ओमेगा क्या बनेगा मेरा, ओमेगा पीसी पुट द वैल्यू पाई ओवर 6.28 व्हिच इज इक्वल्स टू 3. ऊपर वाला 3.18, नीचे 6.28 एंड हियर वैल्यू इज बिकम 0.5 एट नेगेटिव रियल एक्सिस जे जीरो। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके आप फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपके लिए लिख देता हूं, इफ द कंपनसेटेड सिस्टम शोन इन फिगर एज ए फेस मार्जिन of 60 degree at crossover frequency of 1 radian per second, then the value of gain k, आपके लिए बना देता हूं मैं। पॉजिटिव नेगेटिव के प्लस 0.366 एस वन ओवर एस ओवर एस प्लस वन, ठीक है गाइज। तो यहां आप मेरे को k का वैल्यू फाइंड आउट करके बताएंगे, और दिस और ये है आपका, गॉट इट, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं गाइस। देखिए वीडियो शायद आप लोग देख नहीं रहे हैं, हो सकता है मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, बच्चों जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं अच्छा लगता है। बच्चे मैं ये कहना चाहूंगा अपने आप को नेगेटिव ना रखें। अंकित सर ने आपसे बात करी है अभी प्राइवेटाइजेशन वाली बात को लेके, तो उनकी बात को आप बिल्कुल अमर में लाएं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, अपने आप को बिल्कुल नेगेटिव ना होने दें। देखिए शायद आपको कभी खुद आप ऑब्जर्व करें, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो चीजें शायद एक दिन में या एक महीने में या एक साल में ना होती हूं, लेकिन वन डे ऐसा जरूर आता है जिस दिन आपके अकॉर्डिंग चीजें होती है। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो गाइस डोंट बी गेट नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहले साइट पे जाएंगे, गोल सेट करेंगे गेट एंड ईएससी का, सब्सक्रिप्शन बटन दबाएंगे, फिर उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, अपनी मर्जी से ले लीजिए, जो भी आपको ईयर का लेना है, 2 ईयर का, 3 ईयर का, और सॉरी 1 ईयर का, 2 ईयर का। फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे मेरा कोड राहुल11। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस पर, और आपको अगर 1 ईयर का 25,000 का था तो आपको पड़ेगा 22,500 का, तो 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। ऑनलाइन पे करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अपना ध्यान रखिए सेहत का, एक दूसरे की मदद करें, बी काइंड टू ईच अदर, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे जाके पीडीएफ ले लीजिएगा। मुझे पता है 6 तक के आपके पास हैं, 7, 8, 9 के आज आप मिल जाएंगे आप, ठीक है, पीडीएफ। आगे थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।